स्पेशली बर्नॉल आप लगाइए और ठंडक पाइए। यानी जिनको भी जलन हो रहा है पछवाड़े में वो बर्नॉल लगा लीजिए, ठंडक मिलेगी आपको और सूत जाइए। दिल थाम कर बैठिए, कल सन ऑफ बिहार निकलने वाले हैं, वही सन ऑफ बिहार जिसका नाम मनीष कश्यप है। सन ऑफ बिहार छूटने वाले, कितना खुश हैं आप? खुश इतना कि बयान नहीं कर सकते हैं शब्दों से। चमड़ा का मुंह है, कुछ भी बोल देना है उससे नहीं ना, लेकिन ये चमड़ा का मुंह भी आज ना मतलब बोल नहीं पा रहा है कि कितनी खुशी हो रही है कि मेरा भाई बाहर आ रहा है। जिससे कुछ दिन पहले मैं सिविल कोर्ट में मिली थी और भाई ने बोला था कि बहन साथ देना, तो हमारी दुआएं तो मनीष कश्यप आपके साथ थी ही। अब हमारे मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार नहीं, बेल तो आज ही मिला, आने वाले आज थे लेकिन किसी कारणवश वो कल निकलेंगे जेल से बाहर। हालांकि कई लोगों को पता भी नहीं है कि सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप जेल से बाहर आने वाले हैं। जो उनका विरोधी है उनको क्या कहना चाहिएगा? उनको बोलेंगे ये लाए हैं आपके लिए, ओह माय गॉड बर्नॉल, ये आपके लिए है। और आज रात भर मनीष कश्यप जी के विरोधी, मेरे विरोधी, आपको पता ही होगा कुछ दिन पहले कितनी ट्रोलिंग हुई थी मेरी भी, मेरी और मनीष कश्यप जी की दोनों की ट्रोलिंग हुई है। और उनको मैं कहूँगी कि हम और वो दोनों इन लोगों के दुश्मन हैं। आपके लिए स्पेशली बर्नॉल आप लगाइए और ठंडक पाइए। यानी जिनको भी जलन हो रहा है पछवाड़े में वो बर्नॉल लगा लीजिए, ठंडक मिलेगी आपको और सूत जाइए उलट कर, यही ना? बिल्कुल बिल्कुल एकदम। मनीष कश्यप को एक अदना सा यूट्यूबर कहा जा रहा था, मनीष कश्यप ने खुटाई हिला दिया। उसी यूट्यूबर का न्यूज हर नेशनल टीवी चैनल ने बनाया है, कल भी बनाएगा। और ये बहन भी स्टार्टिंग में कुछ चीजें थी मनीष कश्यप जी का जिसका मैं विरोध करती थी, लेकिन फिर लगा कि नहीं ये उस लेवल का काम नहीं करते हैं कि हर कोई इसका विरोध करे, तो फिर मैं भी सपोर्ट में उतर गई। यही मुंह मैं ओपन बोलती हूँ, जहाँ गलत थी वहाँ मैं बोलूँगी, लेकिन जहाँ सही है मनीष कश्यप मैं उसके कदम से कदम मिला के चल। स्पेशली फॉर यू गंजेरी साहब, साहब क्यों बोल रहे हैं ऐसे ऐसे लोगों को, थू तुम लोग पे, गंजेड़ी के लिए स्पेशली और गंजेड़ी की पूरी टीम के लिए आप ये लगाइए और मस्त रात को चिल करके सो जाइए, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी रात भर खुजली होने वाली है। तो रूपम ने आपके लिए, रूपम अर्निका एक दवा का भी नाम है, सरदर्द की गोली होती है, और मैं सरदर्द जब देती हूँ तो मैं दवाई देने का भी काम करती हूँ, तो आपके लिए ये है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि मैं परसों गई थी जेल, बेऊर जेल भी गई थी, क्योंकि मैं लॉ स्टूडेंट हूँ तो बेऊर जेल मेरा विजिट था। अंदर तक मैं गई थी, बेऊर जेल का जो लास्ट है वहाँ तक, जहाँ मनीष कश्यप का वार्ड है, फिर आनंद सिंह का वार्ड है, उधर तक मैं गई थी। काफ़ी शांति थी, मिलने नहीं दिया गया उनसे, बाकी विजिटिंग पे गई थी तो किसी से मिल तो सकते नहीं है, लेकिन फिर भी आम लोग जो थे वहाँ के VVIP पर्सन जो नहीं थे उनसे तो मैं सबसे मिलके बात कर रही थी, कैसे आए नहीं आए, बस मनीष कश्यप जी से नहीं मिल पाई और आनंद सिंह। लेकिन मैं कहूँगी कि जेल में भी रहकर हर एक इंसान से मैंने पूछा भी, सब लोग मनीष कश्यप के सपोर्ट में थे अंदर भी, अब जान लीजिए। इस प्ले पर हाईकोर्ट के सामने काफ़ी भीड़ लग जाती है कि सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप जेल से बाहर आने वाले हैं, सन ऑफ बिहार अब सन ऑफ इंडिया हो गया। बिल्कुल, यानी विरोधियों ने इतना कर दिया कि जो सन ऑफ बिहार एक अदना सा यूट्यूबर था वो आज पूरे भारत का बेटा बन गया, भारत का सन ऑफ इंडिया बन गया। वो यूट्यूबर बाद में था, पहले हमारे भारत देश का एक आज़ाद नागरिक था जिसने संविधान को ध्यान में रखते हुए, कानून को ध्यान में रखते हुए गरीबों का काम किया, गरीबों का मसीहा बने, बिहार की जनता जो बाहर जाके परेशान होती थी उसके लिए लड़ने का काम किए, और जो लड़ता है ना वो हमेशा तैयार रहे कि मेरे ऊपर एक आध दो केस होगा ही होगा। और मैं कहूँगी सत्यमेव जयते, आज फिर से जीत कानून की हुई, संविधान की हुई। सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं हो सकता, कहते हैं ना। एक डायलॉग आया था, शाहरुख खान का मूवी था, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए मौसम बिगड़ने वाला है। तो कल वही होगा बिहार में, बिहार वासियों को क्या कहिएगा? मैं यही बोलूंगी, देखिए सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं, लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध है, जो मनीष कश्यप को मानते हैं, मनीष कश्यप को नहीं, जो सच को मानते हैं, जो सही का साथ देना चाहते हैं, जो बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप सभी लोग शांति बनाए रखें। हमारे मनीष कश्यप जी आ रहे हैं बाहर।